ईश्वर, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपके 20 क्वेश्चन इस तरह ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन भी होंगे, ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लिया, कंसेप्ट एक एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ध्यान रखें आपके जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए या जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आएंगे उनके आंसर आपको लिख रहे हैं। हमारा मेथड में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा ध्यान रखिए आंसर केवल इंटरेस्ट किस में है, केवल आपके आंसर में। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस बहुत जल्दी बनाएं कि जल्दी कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। मैं वही तरीका अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखिए आपके पास यहाँ दे रखा है 5x² माइनस का 3 + k x + 7, इसके जीरो जो है वो कह रहा है द सम ऑफ जीरोज, इनके सम ऑफ जीरो जो है वो जीरो है। यदि इसके जीरोज में अल्फा और बीटा मान के चलूँ तो अल्फा प्लस बीटा आपके यहाँ पर क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, ठीक है। अब आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब ऐसा होता है bx + c ऐसा कोई पॉलिनोमियल होता है तब इसके सम ऑफ जीरोज, इसके दो जीरोज होते हैं अल्फा बीटा, और उनका सम कितना होता था, सम होता था -b/a, मतलब -b/a का मतलब है एक्स का कोफिशियंट डिवाइड बाई दिस कोफिशियंट, एक्स शुरू कोफिशियंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सम ऑफ जीरोज माइनस, ये माइनस में पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + k डिवाइड बाई 5, समझ गए ना, डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ से सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हो, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 आ जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि यदि इसके जीरोज का सम जीरो है बताइए k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर k की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी है, -3। तो यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो 2 रहेगा, -3 + 11 x + कितना रहेगा, 30। तो आपके पास ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा gx, ठीक है, मान लेता हूँ ये पॉलिनोमियल gx है, और gx क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x² माइनस ये 8 और 16 x + कितना बन जाएगा, 30। स्टूडेंट आपके पास ये क्वेश्चन बन गया कि इसके जीरोज कैसे निकाले जाएंगे, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकलते थे, ये भी कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में कई कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे, ध्यान रखना, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। इसके जीरोज के लिए क्या करते थे, हम करते थे फॉर जीरोज जी एक्स को हम जीरो के बराबर रखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 2x² माइनस का 16x + 30 को जीरो के बराबर रखेंगे और यहाँ से एक्स वैल्यू निकालेंगे, जो एक्स वैल्यू निकल के आएगी उसी को हम जीरोज कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जरा देख लीजिए क्या हो जाएगा, अब आप चाहें तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप इसे x² माइनस का 8x + 15 इक्वल टू जीरो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप इसे लिख सकते हो x² माइनस का 5x माइनस का 3x + 15 इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट मैं इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, लेकिन इतना समय आपको मान ही लगाना है, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन आ गया तो बहुत जल्दी सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना, ध्यान रखिए। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस 5 आएगा, माइनस 3 आएगा और एक्स माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा, जीरो। एक्स माइनस 3 आ गया और यहाँ क्या हो गया, एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो, आए तो दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3 आएगा और एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। तब इसके जीरोज पूछ रहा था तो इसके जीरोज कितने आएंगे, 3 और 5, कोई ऑप्शन है क्या, 3/5, इसका मतलब है ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है, समझ गए। इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको जरूर बनानी है और ये प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तब समझ में आएगी कि इस तरह के क्वेश्चन अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, उन फ्रेंड्स को बताएं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। जब आप एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे से बात को समझाने की कोशिश करते हो तो बातें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आती हैं, ठीक है ना। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह के क्वेश्चन को जरूर शेयर करें, बात करें, ठीक है ना। तो बात करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, चाहे तो आप वीडियो भी शेयर कर सकते हो। आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।